आज हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं राजमा की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है और इसके लिए मैंने यहाँ क्या क्या सामग्री लिया है उससे पहले हम जान लेते हैं। मैंने यहाँ आधी कटोरी अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, दो बड़े प्याज को मैंने इसे बारीक काट लिया है और यहाँ मैंने छोटे बड़े दोनों राजमा को हल्का सा बॉयल करके रखा है। मैंने इसमें एक दालचीनी और तेज़पत्ता डाल के बॉयल किया है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। मैंने यहाँ एक पैन लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल दो बड़े चम्मच डालकर उसके गर्म होने के लिए छोड़ रखा था। मैं यहाँ तेल में आधे चम्मच शक्कर डालूँगी जिससे इससे सब्जी का कलर अच्छा आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा शक्कर बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें ये सूखी हरी मिर्च डालेंगे और जीरा डालेंगे। अब हम इसमें ये बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसे चम्मच से चला देंगे। गैस का फ्लेम हमारा हाई रहेगा। हम यहाँ प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम में। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा प्याज गोल्डन कलर हो चुका। अब हम इसमें ये अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। मैंने यहाँ दो बड़े चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाला। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका कच्चा टेस्ट ना चले जाए। अब हम इसमें ये टमाटो प्यूरी डालेंगे। मैंने इसे दो बड़े टमाटर को धो के मिक्सी में पीस लिया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे चम्मच से चला लेंगे ताकि ये टमाटर जल्दी से पक जाए हमारा। हम यहाँ 2 से 3 मिनट के लिए इसे कवर कर लेंगे और गैस का फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। अब हम कवर हटा लेंगे और इसे चम्मच से चला लेंगे। अब हमें इसे ढकना नहीं है और गैस का फ्लेम हमारा हाई रहेगा। हमें इसे सूखा करके मसालों को भून लेना है अच्छी तरह। अब हम इसमें ये सूखा मसाला डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ भुना जीरा पाउडर लिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर इसे भी डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे हम। ये हमारा मसाला अच्छी तरह भून चुका। अब हम इसमें ये उबला हुआ राजमा डाल देंगे और इसे चम्मच से मिला लेंगे। ये हमारा राजमा भून चुका है। अब हम इसमें आवश्यकतानुसार पानी डालेंगे। मैं यहाँ आधा पानी डालूँगी क्योंकि ये हमारा उबला हुआ था। मैं यहाँ वो पानी यूज़ कर रही हूँ जिसे मैंने राजमा उबाला था। अब हम इसे चम्मच से चला लेंगे। गैस का फ्लेम हमारा हाई रहेगा और इसे हम थोड़ा सा उबलने देंगे। तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ढक देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा उबल चुका है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। यह हमारा राजमा हो चुका है। अब हम इसमें ये गरम मसाला 1 चम्मच डाल देंगे और इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया उसे भी डाल देंगे। फिर हम मिक्स करके गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं यह हमारा रेडी हो चुका राजमा की रेसिपी। हम इसे रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं।